कांटी नगर परिषद में स्थित चंद्रशील विद्यापीठ के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार भारत के क्रांति और जनता के जन्मभूमि के नाम से जानी जाती है। इसके महत्व को बच्चे ने जनप्रतिनिधियों व गणमान्य अतिथियों के सामने प्रस्तुत किया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि मंत्री इसराइल मंसूरी व प्रमुख कृपा शंकर शाही एवं आसपास के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर चंद्रशील विद्यापीठ के निर्देशक राजीव रंजन एवं प्राचार्य मैरी रावत के द्वारा सभी अतिथियों को अंग वस्त्र तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बिहार के प्रमुख त्यौहार एवं लोक संस्कृति प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह, राजद के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय, उप प्रमुख सरिता सोनी, मुखिया कुमारी याचना, पूर्व मुखिया सुदर्शन मिश्र, भाजपा नेता कौशल दुबे, संतोष पासवान, रघुनाथ पासवान, अमर मेहता, संजय शाह, जितेंद्र यादव, अमित कुमार, राममोहन पासवान, राजकुमार उर्फ मोनू, मुखिया इंद्रमोहन झा सहित दर्जनों वार्ड पार्षद मौजूद थे। हम चंद्रशील विद्यापीठ स्कूल की प्राचार्य हूँ। मेरा नाम सिस्टर मेरी रावत और हम यहाँ पर 7 महीने से कार्यरत हूँ। और हम जानते हैं हमारा चंद्रशील विद्यापीठ कांटी हमारे यहाँ के समाज के लिए 22 साल से एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। और हमारे स्कूल के द्वारा हमारे समाज के उत्थान के लिए जो शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत बड़ा भूमिका निभाए हैं और निभाते रहे हैं और निभाएंगे आगे। और हमारा यही प्रयास है आज के दिन में कि हमारे समाज में जितने भी प्रमुख हैं, मंत्री हैं, पार्षद है, वार्ड पार्षद और सरपंच, जितने भी मिलकर के हमारा कांटी और हमारा मुजफ्फरपुर का ये कांटी ब्लॉक का क्षेत्र के लिए समाज के लिए सेवा कर रहे हैं। और उनके कारण से हमारे सेवा समाज आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे लोगों के लिए आगे दे रहे हैं, जिसमें कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में न होकर के सामाजिक क्षेत्र में भी हमारे जो भी समाज के लोग हैं उनका उन्नति के लिए, उनका आर्थिक अवस्था को अच्छा करने के लिए जो सेवा दे रहे हैं, उनका ये सेवा को हम तहे दिल से मानते हैं। और हम उनको इस क्षेत्र के लिए जो भी कार्य करते हैं कृतज्ञ हैं। और साथ साथ हम स्कूल भी एक सोशल सेंटर हैं और हम भी समाज सेवी हैं, सेवक हैं। और इसीलिए हमारे समाज के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग इस तरह से तालीम दे रहे हैं और अच्छे से अच्छे और क्वालिटी एजुकेशन दे करके और इनका सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारे हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते स्कूल में, जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया, गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, डिबेट हो गया। और इस तरह से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हम बच्चे को देते आ रहे हैं और देते हैं। और विशेष करके अभी 1 महीने के अंदर अंदर हमारे 5 बच्चे ने इंटरनेशनल लेवल पर एक इंडियन डिबेटिंग लीग में भाग लिया है ऑनलाइन और फर्स्ट क्वालिफाइंग राउंड ऑनलाइन किए, उसके बाद में सेलेक्टेड होकर के स्टेट राउंड में गए। और स्टेट राउंड में हमारे बच्चे ने इतनी अच्छी बेहतरीन रूप से परफॉर्मेंस किया कि हमारे हर्ष फर्स्ट रैंक आएगी बिहार में और तानिया सेकेंड रैंक पर, हर्षित थर्ड रैंक पर और सेकेंड कैटेगरी में हमारा आयुषी कुमारी फर्स्ट रैंक और पीहू सेकेंड रैंक पर आए। और हमारे ये 5 बच्चे हमारे बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए दिल्ली आईआईटी दिल्ली में जा कर के इनका जो भी परफॉर्मेंस और क्वालिफिकेशन रहा और इनका जो भी परफॉर्मेंस के लिए इनको आईआईटी दिल्ली में उनको सम्मानित किया गया। और इनको आज हमारे स्कूल में भी सम्मानित किए गए हमारे मुख्यमंत्री जी इसराइल मंत्री जी के हाथ से, साथ साथ हमारे निदेशक राजीव रंजन जी के हाथ से। और आज हम ये समारोह इसलिए आयोजन किए गए कि हमारे जो भी गण्यमान्य हमारे अतिथिगण हमारे यहाँ पर स्कूल के प्रांगण में आए उनको हम सम्मान किए,
जिसमें कि वो और हम एक साथ मिल करके हाथ में हाथ बढ़ा करके हमारे सेवा समाज के लिए सेवा कर रहे हैं करेंगे और आगे भी हम इसी तरह से एक दूसरे को सहयोग करते हुए हम अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और रहेंगे। हमारे अतिथियों को सर्टिफिकेट प्रशस्ति पत्र और शॉल के द्वारा हम उनको सम्मान किए और साथ साथ हम अपना खेल भी प्रदर्शन किए, जैसे कि कबड्डी गर्ल्स का, सीनियर गर्ल्स जैसे 8 से 9 का बच्चों को, और क्रिकेट जो हमारे सीनियर बच्चे क्लास 8 से लेकर क्लास 10 का बच्चे इसमें भाग लिए। और हम बहुत खुश हैं कि हमारे मंत्री जी जो इजरायली मंजूरी हैं हमारे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए आए, और हर क्षेत्र से जैसे कि प्रखंड से हो या हमारे मुखिया हो, सरपंच हो या वार्ड पार्षद हो, हर कोई अपना मौजूदगी यहाँ पर दे करके हमारे प्रोग्राम को बहुत ही बहुत सफल करने के लिए उनका बड़ा भागीदारी रहा, इसके लिए हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।